गोलियों की खान लीला सलमान ने 30 किलो की गन से किए इतने फायर। बड़े पर्दे पर लगातार इमोशन की गंगा बहाने के बाद सलमान खान अब गोलियों की रासलीला रचाने जा रहे हैं। इस साल दिसंबर में टाइगर जिंदा है में उनका जबरदस्त एक्शन देखने मिलेगा। एक सीन के लिए तो उन्होंने 3 दिन में 5,000 गोलियां चलाई हैं। बता दें कि अली अब्बास जफर के निर्देशन में बन रही फिल्म टाइगर जिंदा है में सलमान खान का वैसा ही जबरदस्त एक्शन होगा जैसा इससे पहले आपने इस फिल्म के पहले भाग एक था टाइगर में देखा था। जानकारी मुताबिक हाल ही में सलमान ने टाइगर जिंदा है के लिए जो एक्शन सीन किया है उसमें इस्तेमाल की गई ऑटोमेटिक मशीन गन का वजन लगभग 30 किलो था। ये MG-42 गन रही जिसे स्पेशली मंगाया गया था। इस गन को उठाए हुए सलमान खान की एक फोटो जारी की गई है। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान को इस सीक्वेंस को शूट करने में बहुत ही मुश्किल हुई। इस बारे में निर्देशक अली अब्बास जफर ने बताया, जब आपके फिल्म का अभिनेता सलमान खान हो जो अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं तो आपको उन्हें ऐसा हथियार देना ही होता है जो उनके व्यक्तित्व को सूट करें। यह सीक्वेंस फिल्म के अहम दृश्यों में से एक है। इस सीन के लिए सलमान खान ने 3 दिन में कुल 5,000 गोलियां चलाई थी। इस शूट को अंतिम स्वरूप देने लिए हमने लगातार शूटिंग की जिससे पर काफी गर्मी भी पैदा हो गई थी। सलमान खान और कटरीना कैफ स्टार फिल्म टाइगर जिंदा है इस साल 22 दिसंबर को रिलीज होगी। सलमान की पिछली फिल्म ट्यूबलाइट उम्मीदों के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा धमाका नहीं कर पाई थी।